हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपी। और अभी अभी जो हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का न्यू नोटिस आया है, उसके बारे में मैं जानकारी देने जा रही हूँ। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो तो जल्द से जल्द आपको मिल जाए। तो जैसे कि हमने पहले जो नोटिफिकेशन आया था एक दो दिन पहले, जैसे कि ये 24 मार्च को आया था स्टूडेंट मार्क रजिस्टर, तो उसमें स्टूडेंट मार्क रजिस्टर में आपको किस टाइप से रजिस्टर करना होगा इसके बारे में मैं बताऊंगी। और साथ ही साथ जो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हुज यूएमसी वाज फ्रेम्ड इन जनवरी मार्च 21 एग्जाम अलोंग विद द शेड्यूल टू अपियर बिफोर द यूएनएफसी कमेटी, उनका शेड्यूल जारी हो गया है। जैसे जो भी स्टूडेंट हैं जिनकी यूएमसी बनी थी जनवरी से मार्च जो 2021 में एग्जाम हुए थे, उनका एक शेड्यूल दिया गया है। जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अम्बाला में 10 बजे के बाद सीरियल नंबर 1 से 114 तक, टीएमसी 01 से 02 ये दे रखा है 3 अप्रैल, ये इस टाइप से शेड्यूल दिया गया है। जिस के जो जो सीरियल नंबर है और रोल नंबर ये दे दिए गए हैं, जैसे ये वाले जो रोल नंबर है उनकी कहाँ कहाँ, अम्बाला में या तो सोनीपत या झज्जर या फरीदाबाद, इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में उनकी केस की हेयरिंग होगी। और उसमें देखिए ये सब रोल नंबर दिए गए हैं, आप अपना अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। ये काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है, आप HSBT की साइट पर जाकर देख सकते हैं। और आपके जो नियर बाय पॉलिटेक्निक होगा वहीं पर ही आपको इसके लिए आपको जाना होगा। और बहुत से बच्चे हैं, देखिए अगर आप एडमिशन ये जो लिस्ट देखें तो इस लिस्ट में आपके करीबन देखिए 300 क्रॉस कर गए हैं, 400 के करीब, ये देखिए 15 पेजेस हैं, 405 स्टूडेंट हैं जिनके केसेस बने थे। और उनका टाइमिंग भी दिया गया है, यूएमसी की डेट भी दी गई है कि आपको कहां पर मिलना है और कौन सी टाइमिंग है। इसके अलावा मैं जो आपको बताने जा रही हूं वो बता रही हूं कि जो स्टूडेंट मार्क रजिस्टर करना है उसको रजिस्टर आपको कैसे करना होगा। ये जल्दी ही आपके HSBT की वेबसाइट पर स्क्रीन अपीयर हो जाएगा जिसमें स्टूडेंट रजिस्टर कर पाएंगे। लेकिन रजिस्टर करने के लिए उन्हें सबसे पहले अपना रोल नंबर फिल करना होगा, फिर डेट ऑफ बर्थ एंड देन मोबाइल नंबर। रोल नंबर देखिए, रोल नंबर आप बिल्कुल अपना जो भी डिजिट होंगी 10 या 12 वो डिजिट फिल करेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ इस टाइप से आपको लिखनी होगी, मोबाइल नंबर फिल करना होगा। और जैसे ही मोबाइल नंबर फिल करेंगे तो आपके पास एक OTP आ जाएगा, उस OTP को आपको सबमिट करना होगा। सबमिट करेंगे तो स्टूडेंट जो होगा प्लीज एंटर OTP ऑन द मोबाइल, जैसे ही आप एंटर करेंगे OTP तो आपका रजिस्ट्रेशन में इस टाइप से दिखेगा, स्टूडेंट रोल नंबर आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ और ये जो OTP आप सबमिट कर देंगे। ये तो बहुत इजी है। उसके बाद में करने के बाद देखिए इसमें फिर उसके बाद आपका रोल नंबर आएगा, डेट ऑफ बर्थ, इस टाइप से आपका रजिस्ट्रेशन, शो मार्क्स 25 मार्च 2021 जैसे आज की डेट डाल रखी है, स्निपिंग टूल से वो स्क्रीनशॉट लिए गए हैं, तो रोल नंबर कर दिया, डेट ऑफ बर्थ कर दी, उसके बाद आप सेमेस्टर इसमें डालेंगे। सिलेक्ट सेमेस्टर फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ द व्यू ऑफ द मार्क्स ऑफ द सेमेस्टर, आपके तुरंत जैसे ही ये रजिस्टर करेंगे उसके बाद आपके जो भी मार्क्स होंगे जो भी सेमेस्टर के देखना चाहे वो आपको दिखेगा। डेट ऑफ बर्थ मस्ट बी एज पर मैट्रिक सर्टिफिकेशन, और जो आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे वो आपकी मैट्रिक सर्टिफिकेट में थी वही डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। आर मेंशन्ड आफ्टर द मार्क मीन रीअपियर, अगर आर लिखा होगा तो उसका मतलब है कि आप में रीअपियर आए हैं उस एग्जाम में। मैंने अटेम्प्ट रियर मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन आर शोन, जैसे आज सेमेस्टर मार्क्स स्टूडेंट आर अवेलेबल जो भी है बच्चे वो 2015 के बैच के हैं उनके बैच से ही इसके मार्क्स मिलेंगे। और 15 मार्च 2021 में जो भी रिजल्ट अपडेट होता जाएगा उसके अंदर अंदर धीरे धीरे आपकी जो भी क्वेरीज होंगी वो सारी इसमें अपडेट होती जाएंगी। तो जैसे देखिए सेमेस्टर थर्ड अगर डालेंगे तो सीरियल नंबर ये सारे आपके आएगा, थ्योरी मार्क्स, प्रैक्टिकल मार्क्स, और उसमें आप अपना सर्च करके अच्छे से देख सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, इसमें आप रजिस्ट्रेशन जरूर कराइएगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। और जैसे जैसे न्यू नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको अपडेट करती रहूंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन।